हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल, मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित्रा शर्मा। आज की वीडियो का श्रेय जाता है श्रीमान आशीष जी के इस कमेंट को। आशीष जी, आपके कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे एक वीडियो चैनल पे आप ही लोगों के प्रश्न सुझाव कमेंट के अनुसार लेकर के आते हैं, इसलिए आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आप अगली वीडियो किस प्लान से संबंधित चाहते हैं। और इसी के साथ आप वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके जुड़े रहें हमारे साथ, जिससे हर एक लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वीडियो के प्रारंभ में ही आपको बताना चाहता हूं कि इस प्लान से संबंधित ऑलरेडी दो वीडियो अवेलेबल है। पहली वीडियो में हमने प्लान की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ में लॉयल्टी एडिशन क्या है, मैच्योरिटी बेनिफिट क्या है, डेथ बेनिफिट क्या है, सिंगल लाइफ के केस में वो बताया है। दूसरे भाग में हमने जॉइंट लाइफ के ऑप्शन को एक्सप्लेन किया है। इन दोनों ही वीडियो को आपको देखना अगर आप इस प्लान के बारे में जानना चाहते हैं, और दोनों ही वीडियो का जो लिंक है वो आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, राइट। अब श्रीमान जी ने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कहा है, और इनके साथ और किसी ने भी इस प्लान के सरेंडर वैल्यू के बारे में हमसे पूछा था। उन्होंने लिखा है कि अगर 3 साल हम लगातार प्रीमियम पे कर दें, उसके बाद पॉलिसी को डिसकंटिन्यू करें, तो क्या मनी वापस मिलेगी या नहीं, ठीक है। तो अगर आप कंप्लीट मनी वैल्यू की बात कर रहे हैं, वो तो नहीं मिलती ऐसे में, ओके। क्या मिलता है उसे समझने के लिए उदाहरण ले लेते हैं हम। मान लेते हैं श्रीमान ए है, जिनकी आयु 35 साल के 16 साल का पॉलिसी टर्म ले रहे हैं और 8 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म, सालाना 1,00,000 रुपए का वो प्रीमियम पे कर रहे हैं। तो ऐसे में जो गारंटेड मैच्योरिटी बेनिफिट फैक्टर अप्लाई यहाँ पे हो रहा है, यानी कि जो लिया जा रहा है वो 110.20% लिया जा रहा है, और लॉयल्टी एडिशन रेट 12.25%, राइट। ये कैसे काम करते हैं ऑलरेडी पिछले भाग में हम बता चुके हैं। अब हमें देखना है कि प्लान क्या कहता है सरेंडर वैल्यू को लेके। प्लान कहता है कि अगर पॉलिसी के पहले 2 साल लगातार प्रीमियम नहीं पे किया गया है लिमिटेड पे के केस में, तो सरेंडर वैल्यू नहीं मिल सकती है। यानी कि 2 साल लगातार प्रीमियम पे करना, उसके बाद ही सरेंडर वैल्यू मिलता है लिमिटेड प्रीमियम के केस में। सिंगल प्रीमियम के केस में पहले ही साल से सरेंडर वैल्यू अवेलेबल होती है। और गारंटेड सरेंडर वैल्यू निकालने के लिए GSV फैक्टर 1 यानी कि गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर फॉर प्रीमियम का गुणा करते हैं टोटल पेड बेस प्रीमियम में। उसमें आप जोड़ते हैं गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर 2 यानी कि गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर फॉर लॉयल्टी एडिशन का अक्योर्ड लॉयल्टी एडिशन में गुणा करके, राइट। जो वैल्यू आता है वो गारंटेड सरेंडर वैल्यू हो जाता है। अब प्लान लॉयल्टी एडिशन के केस में हमें क्या बता रहा है। प्लान कहता है कि ये जो लॉयल्टी एडिशन है, ये एक प्रतिशत होता है आपके टोटल प्रीमियम का, यानी कि जितना प्रीमियम आप बेस प्रीमियम पे करते हैं उसका एक प्रतिशत होता है जो हर साल मिलता है। लेकिन ये प्रीमियम पेमेंट टर्म के बाद से मिलना चालू होता है और मैच्योरिटी तक मिलता है, राइट। और अगर सिंगल प्रीमियम है प्लान आप, तो पॉलिसी के दूसरे साल से लॉयल्टी एडिशन मिलना चालू होता है, जो कि लमसम मैच्योरिटी पे, डेथ पे या सरेंडर पे पे किया जाता है। अब क्योंकि प्रीमियम पेमेंट टर्म हमने कंप्लीट नहीं किया है, तो हमारा लॉयल्टी एडिशन यहाँ पे निल हो जाएगा, राइट, शून्य। और 3 साल प्रीमियम पे कर लिया हमने, 1,00,000 रुपए का प्रीमियम मान रहे, तो 3,00,000 रुपए का बेस प्रीमियम हो गया, ओके जी। तो यहाँ पे हमें पता है कि गारंटेड सरेंडर वैल्यू निकालने के लिए हमें गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर की जरूरत होगी जो कि प्रीमियम की अप्लाई हो, राइट। उसी के साथ हमें जरूरत होगी गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर फॉर अक्योर्ड लॉयल्टी एडिशन के लिए, जिसमें कि हम लॉयल्टी एडिशन का गुणा कर सके जो इकट्ठा हो। अब हमारे केस में लॉयल्टी एडिशन निल है, तो इसलिए हम यहाँ पे मेंशन नहीं किया उसको, ओके। हम सीधा लिख रहे हैं कि अक्योर्ड गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर मल्टीप्लाई बाय 3 लाख जो कि टोटल पेड प्रीमियम है, प्लस 0 जो कि लॉयल्टी एडिशन है जो कि बना लेंगे। अब हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर पा रहे, रीजन क्या आपको बता देते हैं। जब आप इनकी वेबसाइट पे जाते हैं, पॉलिसी ब्रोशर, लीफलेट और पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट का जो कॉपी है उसको अगर आप डाउनलोड करके रीड करते हैं, तो उसके अंदर हमें सरेंडर वैल्यू फैक्टर टेबल मिलता ही नहीं है। और जब इन डॉक्यूमेंट के अंदर गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर टेबल अवेलेबल ही नहीं है, तो हम आपके साथ शेयर कर ही नहीं सकते, राइट। तो आपको क्या करना है, आपके पास पॉलिसी है तो आपको अपना पॉलिसी बॉन्ड चेक करना है, उसके अंदर गारंटेड सरेंडर वैल्यू या सरेंडर वैल्यू का एक सेक्शन होता है, वहाँ पे टेबल दिया होता है, उसको आप चेक करें, राइट। बेस प्रीमियम क्या है वो भी आपके पॉलिसी बॉन्ड में पता लग जाएगा, उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से, फिर टेबल को फॉलो करके। सरेंडर वैल्यू का 80% तक लोन मिल जाता है, जिसपे 8.55% का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है सालाना, ये फिक्स नहीं है। अब देखिए, यही वो कारण है जब हमसे पहले भी इस प्लान के सरेंडर वैल्यू के बारे में पूछा गया, हमने इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर की। अब बार बार आप लोग पूछ रहे थे, व्हाट्सएप पे भी पूछा गया, तो इस वजह से अब इस वीडियो के फॉर्म में ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ी, ठीक है। आई होप ये चीज आप समझेंगे, क्योंकि हम किसी इंश्योरेंस कंपनी के लिए काम नहीं करते हैं, तो हमारे पास ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं अवेलेबल होती जो कंपनी ने पब्लिक डोमेन में रखी ही नहीं, ठीक है। आई होप ये चीज आप समझेंगे। जानकारी क्लियर है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में जरूर आप पूछिए कि आप अगली